हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुभ शुभ बोलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाएं। सो आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन लव, इस टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करेंगे। यानी कि इस रीडिंग में हम देखते हैं आपका एनर्जी, उसके बाद हम चेक करेंगे कि रीसेंट पास्ट में क्या हुआ है, फिर हम देखेंगे करेंटली प्रेजेंटली क्या चल रहा है एंड द फ्यूचर क्या हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर। अब ये किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, आप अपने हिसाब से इसको लीजिएगा। इट विल बी अ जनरल रीडिंग, हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे इसी टॉपिक पे रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं वो सब। अगर आपने देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला भी अगर आपने देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगला इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स रिवर्स नहीं हो सकता क्योंकि ये सिर्फ हम रिलेशनशिप के ऊपर बोलेंगे, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। चलो ठीक है, ले सकते हैं, रोल्स रिवर्स भी हो सकता है कभी कभी, ओके हो सकता है, अपने हिसाब से लीजिएगा इसको। बट जेंडर वाइज आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, ओके। तो मैं रीडिंग शुरू करता हूँ। सबसे पहले अच्छा, मैंने बहुत दिनों से आप लोगों को सवाल कुछ पूछा नहीं है, आज कुछ पूछ लेते हैं। क्या पूछूं? ओके, कौन किस तरह का ड्रेस आपको पहनना सबसे ज़्यादा पसंद है जब आप नॉर्मल रहते हैं, मतलब नॉर्मल एज इन कहीं पे भी जाना हो, कहीं पे प्रॉपरली आपको ड्रेसअप करके जाना है, कोई स्पेशल ओकेशन है, वहाँ पे किस तरह का ड्रेस पहन के जाना आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, इंडियन या वेस्टर्न, वो आज आप कमेंट्स में मुझे बताइए। सपोज किसी की शादी में आपको जाना है तो आप कौन सा ड्रेस पहनना प्रेफर करेंगे, इंडियन या फिर वेस्टर्न, वो आज आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए, ओके। तो मैं अभी रीडिंग शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम चेक करेंगे व्हाट इज योर करेंट एनर्जी। लेट्स सी व्हाट इज योर करेंट एनर्जी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ही ऊपर फोकस कीजिएगा क्योंकि आपका एनर्जी चेक करने वाले हैं। आ गया है आपका एनर्जी मेरे पास, ओके ओके। सो आपका जो करेंट जनरल एनर्जी है वो है 3 of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द हर्मिट कार्ड। आई थिंक आपको आप अकेला रहना सीख गए हैं, आपको पता है कि आप अगर अकेले भी हैं तो आप अकेले 100 लोगों पे भारी हैं। That means के you know about your future, आपको कौन सा direction लेना है वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, कौन सा आपका दिशा है वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। So आप अपने हिसाब से अपना life enjoy कर रहे हैं, friends के साथ भी, friends के बगैर भी, okay? I can see you are having good times, you are enjoying, you are celebrating life. एंड साथ ही साथ में यू आर वेरी फोकस्ड, आप थोड़ा सा अकेला रहना पसंद कर रहे हैं बट अकेला रह के भी यू आर एंजॉयिंग दैट मोमेंट, ओके। आप अकेले रह के भी यू आर नॉट अलोन, हो सकता है कि आपको आप ऐसा फील हो कभी कभी के दैट आई एम फीलिंग लोनली, या फिर कोई मेरे साथ नहीं है, या फिर यू नो मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, इस तरह का कुछ। बट अल्टीमेटली आई कैन सी दैट यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, दैट वॉट मैटर्स, okay? So you are like, I am fulfilled, I am enjoying, but I know what is my direction, what is my future direction and what is my goal basically. So aap bahut hi zyada aapke andar ek balance mujhe dikh raha hai, which is good. Ab hum dekhenge recent past mein kya hua hai. Let's see what happened in the recent past. Ace of Swords.
So recently, I think you got some clarity. Bottom of the deck is Eight of Swords. बहुत दिनों से शायद आपको किसी चीज़ के ऊपर क्लैरिटी नहीं मिल रहा था. आपको एक तरह से मेंटली यू आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एक मेंटल जेल किस्म का एक सिचुएशन में आप थे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव सोच, अनक्लियर चीज़ें घूम रहा था, जहाँ पे आप देख रहे थे कुछ और बट एक्चुअल वो चीज नहीं है. सो आप प्रॉपरली उस चीज को क्लियर तरीके से देख भी नहीं पा रहे थे. बट रिसेंटली आई कैन सी दैट रिसेंट पास्ट में आपको एक तरह से क्लैरिटी मिलना शुरू हुआ है किसी चीज के ऊपर. एंड नाउ यू आर लाइक आई एम वेरी मच श्योर कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. मैं सिर्फ अपने दिल का यूज नहीं करने वाला या करने वाली, मैं अपने दिमाग का भी उतना ही यूज करने वाला हूँ या करने वाली, जो भी आपका जेंडर है. सो यू आर लाइक आई एम वेरी श्योर कि मुझे क्या करना है. नाउ आई एम क्लियर, नाउ आई एम वॉचिंग थिंग्स फ्रॉम अ वेरी क्लियर पर्सपेक्टिव एंड अब मुझे कोई नहीं रोक सकता. सो दिस इज हाउ इट इज. लेट्स क्लैरिफाई दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स. आई थिंक आपका क्राउन चक्र ओपन है अभी. सो इट्स लाइक you have opened your crown chakra. Let's see, it's been clarified by the justice card and four of swords. Yes, mera reading usually utna galat nahi hota. So aapko ek tarah se you became very practical, very very practical ki aapko kya karna chahiye kya nahi karna chahiye. Recent past mein ye cheez hua hai, that ye sirf aur sirf hua hai because aapne apne aap ko proper tarike se heal kiya hai. ओके आप एक हीलिंग जर्नी में थे और ये जो जर्नी है, इस जर्नी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है. आपको समझ में आ चुका है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, कैसे अपने ज़िंदगी में क्लैरिटी लाया जाए, कैसे ज़िंदगी में बैलेंस लाया जाए, क्या मेरे लिए सही है. और नाउ यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर ब्रेन, यू आर नॉट एन इमोशनल फूल राइट नाउ. यू आर नॉट ओनली थिंकिंग फ्रॉम योर हार्ट, यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर ब्रेन ऑल्सो. इम्प्रेसिव, वेरी गुड. अब हम देखेंगे कि करेंटली प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है. ओके लेट्स सी द प्रेजेंट सिचुएशन. ओके आई थिंक यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम अ हार्ट ब्रेक. ओके Something ended. मैंने बोला ना कि आप एक हीलिंग जर्नी में हैं. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स. आई थिंक आपने बहुत दर्द देखा है. आपको धोखा मिला, आपको दर्द मिला, रिश्ता एक तरह से ख़त्म हो गया और उसके बाद उस टूटे हुए रिश्ते के बीच में से उठ के खड़ा होना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना इज नॉट ईजी. बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द हीलिंग जर्नी, आपने जो सीखा है उस जर्नी में अपने आप को हील करके, उस चीज़ ने आपको इतना ज़्यादा पुश किया है, इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है कि अल्टीमेटली यू आर लाइक ओके नाउ आई कैन मूव ऑन, नाउ आई हैव अ फ्यूचर डायरेक्शन. जो कि अगेन यहाँ पे फ्यूचर डायरेक्शन दिख रहा है. सो आई हैव अ पाथ और मुझे आगे बढ़ते रहना है, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है. ओके साथ ही साथ में आई कैन सी दैट यू हैव दोज मेमोरीज. आपके अंदर अभी वो करवापन नहीं है. ओके बिटर जो चीज़ है वो अभी नहीं है. इट्स लाइक इट्स देयर, द मेमोरी जो है वो मेमोरी है अभी भी आपके साथ, बट वहाँ पे वो करवाहट नहीं है. आपने शायद किसी को माफ़ कर दिया है. ओके आपने माफ करना सीख लिया है. वाओ मैंने क्लैरिफाई भी नहीं किया, मैंने ऑटोमेटिकली ये चीज़ बोला. लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई दिस. वाओ इट्स पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल. मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं होता है. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स बीन क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन कार्ड. You are in your own power right now. For being happy
अपने खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने जिंदगी के लिए, जिंदगी के अंदर खुशहाली के लिए, यू आर इन योर ओन पावर. यू आर लाइक, मुझे अपने लाइफ का कमांड मेरे हाथ में चाहिए. अब कोई भी मेरे सामने आके बकवास करे, मैं बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं. कोई भी मुझे आधा अधूरा प्यार दे, उसके लिए मैं रेडी नहीं. ओके, यू आर नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज. यू आर नॉट रेडी. यू आर लाइक, अगर मुझे क्लैरिटी नहीं मिलता है तो मुझे नहीं रहना इसमें. ओके, मैं तुम्हारे यादों के साथ जी लूंगा बट मुझे नहीं रहना है. बॉटम ऑफ द लेक इज फोर. यू वॉन्ट टू गेट मैरिड ऑल्सो, आप सेटल होना चाहते हैं. यू डोंट वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप, नाउ यू वॉन्ट टू गेट सेटल डाउन. आप हैप्पीनेस चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं. खास करके यू आर इन अ वेरी चाइल्ड लाइक एनर्जी राइट नाउ. यू आर स्टेइंग हैप्पी. यू आर, आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट साथ ही साथ में यू आर वेरी डिफेंसिव. ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको बच्चा समझ के चॉकलेट दे के आपको बहला फुसला के मैनिपुलेट करे. वो गलती ही नहीं होगा. यू आर डिफेंसिव. आपको पता है कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. वाओ वाओ, अपग्रेडेशन हैपेंड. हाँ, वेरी गुड. लेट्स सी द फ्यूचर. लेट्स सी द फ्यूचर. फ्यूचर में क्या होने के चांसेस है इन दिस. ओ ओके ओके, टू कार्ड्स केम ऑलरेडी. ओके, सो फ्यूचर है फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स. ओके, तीनों ऑलरेडी कार्ड जंप करके आया है, मुझे अलग से क्लैरिफाई करने का दरकार नहीं है. फ्यूचर में आप रो सकते हैं, फ्यूचर में आप अकेला महसूस कर सकते हैं, फ्यूचर में कभी कभी आपको पुरानी पुराना जो ख्याल है, पुराना जो चीज़ें हैं वो आपको हॉन्ट कर सकता है, मेमोरीज आपको हॉन्ट कर सकता है, बट आपका हार्ट चक्रा विल ऑलवेज बी ओपन. इस इन सब चीज़ों की वजह से आपके अंदर जो खूबसूरती है, आपके मन के अंदर जो प्यार है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगा. स्टिल इट्स ओवरफ्लोइंग, स्टिल इट इज़ ब्यूटिफुल, स्टिल यू आर रेडी फॉर अ न्यू बिगिनिंग. देर इज़ अ चांस के कोई आपसे प्यार करने वाले आपके तरफ अट्रैक्टेड होके आए, और जिनको आप बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार ना हो, ऐसा फ्यूचर में हो सकता है. बट आई कैन सी कि देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, बट दैट इन दैट न्यू बिगिनिंग देयर विल बी इमोशनल आउटफ्लो. अब वो इमोशनल आउटफ्लो हो सकता है कि आप दोनों जब मिलेंगे बहुत रोना धोना हो. ओके, हो सकता है आपका स्टोरी भी सेम सिमिलर है उस बंदे के साथ, और थोड़ा सा रोना धोना हो, थोड़ा सा इमोशनल बातें हो, और जहाँ पे दिल भर आए, मन भर आए, यू नो. सो इस तरह का एक फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है. पुराना मेमोरीज भी रहेगा, आप दुखी भी रहेंगे काफ़ी, कभी कभी अकेला भी आपको महसूस होगा कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, बट आपका हार्ट चक्रा ओपन है, आपका हार्ट चक्रा ओपन रहेगा. सो यूनिवर्स आपको एक खूबसूरत कप ज़रूर गिफ्ट करेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार होगा, आपके लिए इमोशनल ओवरफ्लो होगा, और जो आपको बहुत प्यार देंगे. ओके, बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे. सो फ्यूचर में प्यार इज अपकमिंग, अकेलापन अब नहीं रहेगा. ओके, लेट्स सी द साइंस. ओके, एक कार्ड ऑलरेडी जंप करके आ चुका है. लेट्स सी द साइंस. ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर. ओके, बहुत ही स्पेसिफिक कुछ साइंस है यहाँ पे, जैसे स्कॉर्पियो, जैसे कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, ये स्पेसिफिक साइन है. अदरवाइज एरीज, लियो, सजिटेरियस फायर साइन बहुत ज़्यादा है,
कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो ऑलरेडी मैंने बोला एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस काफी ज्यादा है। ओके ओके सो अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए स्पिरिचुअल जो मैसेज है वो क्या है, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या स्पिरिचुअल मैसेज है। आपके लिए जो स्पिरिचुअल मैसेज है वो ये है, जिसके लिए आप रो रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनको पता है दैट यू आर ग्लोइंग एंड ग्रोइंग। दिस इज़ अ मैसेज, ये स्पिरिचुअल मैसेज है, ये गाइडेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्पिरिचुअल मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि जिस इंसान को लेके आप टेंस्ड हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोच सोच के परेशान हैं, वो इंसान आपको मिस कर रहे हैं एंड वो उनको पता है, वो देख रहे हैं दैट हाउ ब्यूटिफुल और हैंडसम यू आर, हाउ पावरफुल यू बिकेम, हाउ ब्यूटिफुली यू ग्रो एंड आपका ग्रोथ कितना खूबसूरत हुआ है, किस तरह से आपने अपने मनी जॉब कैरियर को ग्रो करवाया है, किस तरह से यू आर getting day by day you are getting attractive, so they are watching it from a distance I guess and they are missing you a lot, साथ ही साथ में they are waiting, okay someone is waiting for you but दूर से देख रहे हैं, not नजदीक से, okay so ये था आज का reading, कैसा लगा ये reading जरूर comments में मुझे बताइएगा और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, हम आगे भी इस तरह से बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।